नमस्कार, कंचन खाना पकाना में आपका स्वागत है। आज की डिश है हरी मिर्च का परांठा, जो आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। मेरे पास दो कटी हुई हरी मिर्च है, जिसमें मैं आपके सामने दो चुटकी नमक डालूंगी, हल्का काला नमक टेस्ट को बढ़ाने के लिए। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने सादा घर का नमक ही डाला है। मिर्च तो ऑलरेडी है, इसलिए हम इसका टेस्ट जो है आपको चिली मिर्च वाला ही दिखाएंगे। चिली का परांठा, हरी मिर्च का परांठा। देखिए, मैंने लोई बना ली है, अब हम इसको बेल लेते हैं। हल्का सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको पूरा बेलेंगे इस तरह से। देखिए, पूरा बेल लिया है मैंने। अब मैं इसमें घी रब कर लूंगी, एक चम्मच घी लगाया है मैंने। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसको रोल करते हुए बनाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा चिली परांठा तैयार होगा। चिली हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे परांठे का नाम है चिली परांठा। तो ग्रीन चिली, जिसके ऊपर हमने नमक, काला नमक और जीरा लगा के रखा था, वो हमने इसके ऊपर ही लगाया। उठाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि घी लगा हुआ है, घी उठाने में मदद करता परांठे। लीजिए, चिली परांठा मैंने डाल दिया है। मैं आपको पिछले सेगमेंट में भी समझा चुकी हूँ कि अगर आपको लगे कि आपका परांठा चिपक रहा है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इस तरह से चक्कू को चलाएं और अपने परांठे को इस तरह से चेक। परांठा क्या, रोटी को भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि कहीं नीचे चिपक तो नहीं रही है। पतला चाकू नीचे घुमाएं और फिर दो हाथों की मदद से इस तरह से पलटा लें। लीजिए, हरी मिर्च का परांठा रेडी हो गया है। आप अगर घर पर आपके पास मिर्च और प्याज ही हैं, तो आप इस तरह से प्याज का, मिर्च का, किसी भी तरह का घर पर परांठा रेडी कर सकते हैं और स्वादिष्ट खाना घर पर ही बना हुआ इस तरह से खा सकते हैं। अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। घर पर ही बना हुआ चिली का परांठा, हरी मिर्च का परांठा बनाया है मैंने। आपको अगर हमारा बनाया परांठा पसंद आया है, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।